हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मोदक की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा ही देखिएगा। तो सूजी और आटे के तो मोदक आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन आज मैं सूजी और आटे को दोनों को मिक्स करके मोदक की न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसको बनाने के लिए हमने ले रखा है एक कटोरी गेहूँ का आटा और आधी कटोरी सूजी ले रखी है छोटी कटोरी से, और एक कटोरी छोटी कटोरी से हमने चीनी ले रखा है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं। और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ हम स्टफिंग में करेंगे, तो आज हम स्टफ्ड मोदक बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल के हम पहले ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो इससे मोदक अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मोदक आप स्टोर करके 4-5 दिन तक भी रख सकते हैं और मोदक हमारे ख़राब नहीं होंगे। और ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू और बादाम भी लिए हैं, गरी नहीं लिए हैं। आप चाहे तो उसको भी भून के इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब चलिए इसमें कढ़ाई में घी डाल के आटे को भी भून लेते हैं और आटे को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। घी हमने पहले से पिघला लिया था क्योंकि इस तरीके से मेजरमेंट लेने में आसानी रहती है। आटे को भूनते समय आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, इससे आटा हमारा जलेगा नहीं और मोदक में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से भूनने के बाद। तो देखिए आटा अब हमारा गोल्डन ब्राउन होने लग गया और ये गेहूँ का आटा ले रखा है हमने। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा ही देखिएगा। तो देखिए अब हमारा आटा भून चुका है, तो इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे और उसके बाद हम सूजी को भूनेंगे। और सूजी हमने आटे से आधे ही ले रखी है, तो इसमें भी हमने घी डाल दिया कढ़ाई में और सूजी को चलिए इसको भी भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जिस तरीके से आप लोग हलवे के लिए सूजी भूनते हैं, उसी तरीके से आपको मोदक बनाने के लिए भी सूजी को भूनना है। सूजी हमारी भून चुकी है, तब तक हम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्रश कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम इसको उसी तरीके से क्रश कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा सूजी और आटा भून के तैयार है। इससे पहले आपने सूजी के आटे के और चावल के आटे के तो मोदक खाए होंगे, लेकिन सूजी और गेहूं के आटे का मोदक पहली बार मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूं। इससे पहले आपके साथ किसी ने भी इस रेसिपी को शेयर नहीं किया होगा। तो चलिए हम पहले हम 2 गिलास लगभग पानी भी ले लेते हैं और पानी को हम रख देंगे गर्म करने के लिए। और पानी का यूज़ हम क्या करेंगे इसको देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो एक बार फिर से हमने सूजी को और गेहूँ के आटे को मिक्स कर लिया और इसमें अब हम चीनी भी ऐड कर देंगे, और चीनी लगभग आधा कटोरी है। आप मीठा कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें हम चाशनी का यूज़ नहीं करेंगे, तो बिना मावा और चाशनी और दूध के हम इस मोदक को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसमें जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था उसको भी डाल देते हैं और फिर इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। सूजी और गेहूं के आटे का जो मिक्सर वो बन के तैयार है और उसको अब हम रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और ये जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके मोदक बनाएंगे। अब मोदक बनाने के लिए हम मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों से ही बनाएंगे। तो चलिए अब इसको रख देते हैं हल्का सा ठंडा होने के लिए और इसको हम ठंडा करने के लिए थाली में फैला लेंगे। तो मिश्रण देखिए हमारा अब ठंडा हो चुका है, तो चलिए आपको अब मोदक बना के भी दिखाते हैं। और ये मोदक की बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है, इससे पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मोदक बनाने के लिए देखिए हमने जो इसका डो था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके और इस तरीके से गोल गोल करके उसको बीच में स्टफिंग भरने के लिए हमने स्टफिंग को डाल दिया है और ऊपर से इस तरीके से कवर करके इसको फिर हम हाथों से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए मोदक बनाएंगे। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर गणपति पप्पा के भोग के लिए आप लोग इस मोदक की रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है, इससे पहले किसी ने भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होगी। तो देखिए हमारे मोदक बन के तैयार हैं और ये बिल्कुल ही सिंपल ही तरीका है मोदक बनाने का, बिना मोल्ड के, चाशनी के या दूध और मावे के। तो देखिए हमारे इतने ढेर सारे मोदक बन के तैयार हैं। तो इस तरीके से सूजी और गेहूं के आटे से मोदक बना के आप गणपति बप्पा के भोग के लिए 3-4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में।
और ये गणपति जो आप देख रहे हैं इसको पीहू ने बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी।